असलम दोस्तों, सवाल ये किया गया है कि यूके में पॉलिटिकल असाइलम की मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि असाइलम के सबसे पहले दो ही प्रोसीजर हैं। एक तो ये है कि आप अगर आपके पास वीज़ा है, आप यूके में इंटर हो चुके हैं, तो फिर तो आप जाके असाइलम कर सकते हैं, होम ऑफिस में भी कर सकते हैं और सेंटर्स में भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने सोलिसिटर की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं, उनके ज़रिए भी असाइलम की जा सकती है। और ये कि जब आप असाइलम क्लेम कर लेते हैं, तो फिर आपको उस वक्त एटलीस्ट इतना टाइम ज़रूर दिया जाता है कि आप अपने मौक़ को बयान कर सकें। उसके लिए चाहे 6 माह लग जाए, साल लग जाए, या साल हर साल लग जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एयरपोर्ट पे असाइलम क्लेम करते हैं, आपके पास वीज़ा है या आपके पास आप इलीगल इंट्रोड हैं, तभी आप जाके वहाँ पे असाइलम क्लेम कर सकते हैं। तो जब आप असाइलम क्लेम करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसके लिए ये लाजमी है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही पहले जाते ही असाइलम क्लेम करें। अगर आप स्टे करके थोड़ी सी डिले कर दिया आपने, और आपने पहले इलीगल एंट्रेंस लेने की एंट्री लेने की कोशिश की, तो फिर जो है वो आपके असाइलम क्लेम नहीं होगी और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पहले अल्फाज में ही उनको कहा कि मैं इस मकसद के लिए आया हूँ, तो फिर आपको वो डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। ये तो है प्रोसीजर। अब ये है कि असाइलम क्लेम होने के बाद क्या होता है। असाइलम क्लेम होने के बाद आपको एयरपोर्ट से तो फौरी तौर पर आपकी जो है रिहाइश है, वो बंदोबस्त उसकी कर दिया जाता है। और उसके अलावा आपके रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए आपको ज़ाद राह भी दिया जाता है, आपको मुतलका DSS ऑफिस तक जाने के लिए। और वहाँ से आप क्लेम करते हैं, जिस तरह आपको वहाँ से जो भी हो सिस्टम, जो वाचर है या कैश है, आपको जो है वो जायरो मिल जाता है। तो ये तो है, आपके अखराजात वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है अंटिल आपके एप्लीकेशन पे फैसला नहीं होता। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को 1 साल हो चुका है और उस पर फैसला नहीं हो रहा और उसकी तारीख नहीं आपको मिल रही, तो फिर 1 साल के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है वर्क परमिट। तो उसके लिए आपने अप्लाई करना होता है, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। उस एप्लीकेशन में आपने अपना नाम और होम ऑफिस का रेफरेंस नंबर देना है, और स्टेटमेंट देनी है कि उसमें आपने बयान करना है कि आप क्यों वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ये कर सकता है, और आप ख़ुद भी अपना एड्रेस दे सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं। तो होम ऑफिस को ये आप लिख सकते हैं, यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन, UKVI को। तो उसमें आप चाहें तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहें तो उसका है, ईमेल की आईडी बता देता हूँ मैं आपको। ईमेल है AOMPTW@homeoffice.gov.uk। तो इसमें आप अपनी एप्लीकेशन ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हैं। उसमें आप का एड्रेस होगा, परमिशन टू वर्क टीम, असाइलम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, 139 दी कैपिटल ओल्ड हॉल स्ट्रीट, लिवरपूल। तो यहाँ लिवरपूल में आप जो है ना, वो अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो आगे ये है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आपका जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है और आपको वर्क अलाउ हो जाता है, तो आपके तमाम बेनिफिट्स फॉरफिट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करके टैक्स पे करने पड़ेंगे। फिर फ़र्ज़ करें अगर आपकी एप्लीकेशन पे फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाता है, तो फिर और आपको वर्क की परमिशन थी लेकिन फैसला ख़िलाफ़ आ गया, आप अपील में चले गए, तो इससे आपकी जो वर्क परमिशन है उसका कोई हर्ज नहीं होगा, और आप जो हैं वो ऑब्वियसली जारी रखेंगे, अपना अपना काम आप जारी रखेंगे, और उसमें बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके असाइलम क्लेम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है और आखिरी स्टेज पे रिफ्यूज़ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्क परमिशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। होम ऑफिस दरअसल ये चाहता है कि जो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं और जो माशी लिहाज से अपनी गुरबत की वजह से तंग आके अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए आते हैं, उनमें और जेन्युइन असाइलम सीकर में फ़र्क पैदा किया जाए और उनको अच्छी तरह से जांचा परखा जाए। तो जब भी आप असाइलम क्लेम करें, आपके पास होमवर्क पूरा होना चाहिए। कोई भी एक गलत बयान जो है
या गलत बयानी जो है वो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ख़राब कर सकती है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप फ्ली करके गए हैं, मतलब भाग के गए हैं और मुल्क किस तरह आपने छोड़ा है, तो फिर उस सूरत में जो है वो लाजम नहीं है कि आप तमाम के तमाम कोआइफ उनके सामने रखें। जो कोआइफ आपकी अवेलेबल हों वो दे सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं है वो आप नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह ये है कि अगर आप जैनुइन असाइलम सीकर हैं तो फिर आपको कोई खौफ नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगेबान।